तो निपटा देंगे, सफाया कर। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हो। और ईरान ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है युद्धाभ्यास की, दो दिवसीय युद्धाभ्यास की भी तैयारी की, अपने सैनिकों को उतारा है। और ईरान और अमेरिका में तनातनी काफी टकराव बढ़ गई है। और ये आपको बता दें, जो ब्रेकिंग न्यूज के साथ न्यूज रूम लाइव की शुरुआत कर रहे हैं, ईरान ने दो दिवसीय युद्धाभ्यास किया। ईरानी सेना के युद्धाभ्यास में 200 हेलीकॉप्टर शामिल हैं बड़े पैमाने पर, और इसका संदेश भी साफ है, संकेत भी साफ है। संभावित खतरे को देखते हुए युद्ध की तैयारी, ईरान ने ये कहा है। और ईरान के जो मंत्री हैं, इसके पहले ही उनका स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका अगर उतर रहा है और जमीनी अटैक की तैयारी कर रहा है इसराइल, तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो बड़े युद्ध की तैयारी में जुट चुका है ईरान। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो इस जंग के साथ ही दुनिया दो खेमों में बट गई है। साफ तौर पर सबका स्टैंड क्लियर है, ये अब आपको अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन ईरान के इरादे क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए आप हमारे खास रिपोर्ट। युद्ध इसराइल और हमास में हो रहा है, लेकिन खून ईरान का खौल रहा है। हमास का सबसे बड़ा हमदर्द बनने में लगा है ईरान। वो इसराइल को धौंस दिखा रहा है, अमेरिका को धमकी दे रहा है। ईरान के नेता और ईरान की सेना के लोग लंबी लंबी हांक रहे हैं। ईरान के एक सैनिक कमांडर की धमकी सुनिए। इसराइल को निगल लेंगे, गाजा का ड्रैगन खा जाएगा, कदम रखा तो दफना देंगे, बमबारी के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जमीन पर उतरोगे तो मारी जाओगी। किसी फिल्मी हीरो की तरह ये डायलॉग बाजी जनरल हुसैन सलामी की है, जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कारब्स का कमांडर है। जरा इस कमांडर की पूरी बात सुन लीजिए। दुनिया जानती है ईरान ने ही हमास को पाला पोसा और खड़ा किया है। उसी ने हमास को पैसे दिए, हथियार दिए, युद्ध की तकनीक दी। लेकिन इसराइल ऐसे युद्ध का आदि रहा है। गाजा पट्टी की धज्जियां उड़ रही हैं, अंधाधुंध तबाही हो रही है, लाशें बिछ रही हैं। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसराइल अड़ा है धौंस दिखाने में। नेतन्याहू भी पीछे नहीं है। हमास, हिजबुल्ला, ईरान, इसराइल आतंकी संगठन या मुल्क, युद्ध को लेकर दावा करने, धमकियां देने में कोई उन्नीस नहीं। आखिर में ऐसे युद्ध की आग को कौन थामेगा? शिव अरूर के साथ श्वेता सिंह, तेल अवीव, आज तक। ये सच है कि इसराइल हमास युद्ध ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है, और अब ये तय है कि कौन किसका साथ दे रहा है। लेकिन एक विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा, और वो खतरा क्यों मंडरा रहा है? वो खतरा इसलिए मंडरा रहा है कि ईरान जो है वो खुलकर अब अमेरिका को धमकी दे रहा है। हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की रिपोर्ट। इसराइल की तरफ से हमलों में भयंकर तेजी आई है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसराइल चाहता है जल्द से जल्द इस युद्ध का वो अंत कर सके। बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो हमास के उस पूरे ढांचे को नेस्तनाबूद करे, और एक एक करके जो कथित पदाधिकारी हैं हमास के, जो उसका डिप्टी कमांडर है, उसको, उसका मारा जाना भी एक बड़ी कामयाबी इसराइली फोर्सेज के लिए, IDF के लिए। दरअसल जितनी भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां से जो आम लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से निकाल लिया गया है, इवैक्यूएट किया गया है, ताकि वहां पर निर्बाध इसराइल की तरफ से आक्रमण चल सके। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, दुनिया जिन खेमों में बटी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग अलग खेमों के हिसाब से बढ़ रहा है, इसराइल की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकल सके, आतंकी हमास पर इस तरह का दबाव बन सके कि जो बंधक हैं उनकी रिहाई भी संभव हो पाए। श्वेता सिंह, इसराइल, आज तक।